चलिए अभिजीत सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़िए। चलिए फटाफट से क्लास को अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ पाएँ। हेलो हेलो, रुकमणि जायसवाल जी, गुड मॉर्निंग। चलिए रीमा जी भी, गुड मॉर्निंग। सुबह का क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है, सभी को पता है ना। आज क्या हुआ था ना कि करंट नहीं था, ठीक है, एक्चुअली करंट नहीं था, इसके कारण सुबह नहीं हो पाया था। बीएड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बीएड का कोई हमको खास आइडिया नहीं है, ठीक है, बीएड का हमको कुछ खास आइडिया नहीं है। अभिजीत सिंह जी, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को शेयर करिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नहीं पता है हमको, ठीक है, उतना आइडिया हमको है नहीं, ठीक है। जिसके बारे में आइडिया नहीं है उसके बता के कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। शेयर करिए जल्दी जल्दी, क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। अरे आज सुबह वाला क्लास नहीं हो पाया था ना, क्योंकि करंट नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था? करंट नहीं था, इसलिए सुबह वाला क्लास नहीं हो पाया था। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुजीत माथुर जी, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखिए, सब लोग आंसर करिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, ज्वालामुखी वेट युक्त वृत्ताकार अवसाद को क्या कहा जाता है? आंसर बताइए। ज्वालामुखी वेट युक्त वृत्ताकार अवसाद को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताइए। फर्स्ट का क्या होगा? पहला क्वेश्चन, सभी लोग आंसर बताइए, क्या कहा जाता है उसको? ज्वालामुखी वेट युक्त वृत्ताकार अवसाद को क्या कहा जाता है? आंसर बताइएगा सभी लोग। क्या कहते हैं उसको? ए आपका राइट आंसर आएगा, गड्ढा। उसको क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी वेट युक्त वृत्ताकार अवसाद को क्या कहा जाता है? क्रेटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में विद्युत प्रवाह को सीमित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्किट में विद्युत प्रवाह को सीमित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर बताइए सेकंड का। किसका यूज करते हैं विद्युत धारा प्रवाह को सीमित करने के लिए? चलिए फटाफट से आंसर करिए सेकंड क्वेश्चन। कंचन कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। चलिए आंसर करिए आप सभी लोग, क्या कहा जाता है उसको? बिल्कुल करेक्ट, सभी का लगभग सही है। ऑप्शन नंबर सी फ्यूज आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पायरोहाइटाइट, ठीक है, पायरोहाइटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? आंसर बताइए। पायरोहाइटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? आंसर बताइए सभी लोग थर्ड का। पायरोहाइटाइट किसका एक अयस्क खनिज है? सभी लोग आंसर बताइए थर्ड का क्या होगा। सभी लोग आंसर बताइए थर्ड का। पायरोहाइटाइट एक अयस्क खनिज है। किसका अयस्क खनिज है? बिल्कुल कंचन, महेश यादव, रीमा, सभी का आंसर आना चाहिए। किसका खनिज है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, निकेल, ठीक है। किसका एक अयस्क खनिज है? निकेल आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी का लगभग सही आंसर आया है। अरविंद मौर्या जी, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। एक फूल के निषेचन में निषेचन केंद्रीय कोशिका डैश में विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर फोर, एक फूल के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिका डैश में विकसित होगी, कहाँ पर होगा? आंसर बताइए फोर का।
सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक फूल के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिका डैश में विकसित होगी, कहाँ पर होगी, यह सभी को आंसर बताना है। चलिए क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा, एंडोस्पर्म। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म, लगभग सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विलो पेड़ की छाल किस औषधि का स्रोत है। एक पेड़ होता है जिसका नाम है विलो पेड़, ठीक है, तो उसका जो छाल होता है उसको हम लोग किसका औषधि तैयार करने के लिए यूज करते हैं, आंसर बताइए सभी लोग। फाइव का सभी लोग आंसर बताइएगा। विलो पेड़ की छाल का जो छाल होता है उसको हम लोग किसका औषधि बनाने के लिए यूज करते हैं, आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा। बिल्कुल सही, गुड्डू यादव। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन, किसका यूज़ करते हैं, एस्पिरिन का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, सभी लोग सही कर लीजिएगा, एस्पिरिन आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कापरा हिरकस डैश का वैज्ञानिक नाम है। कापरा हिरकस डैश का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, 6 का सभी लोग आंसर बताइए। कापरा हिरकस डैश का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम होता है, सभी लोग आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट से आंसर करिएगा, कापरा हिरकस डैश का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, सभी का आंसर आना चाहिए, किसका वैज्ञानिक नाम है, नोवाइस एकेडमी, बिल्कुल करेक्ट। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी बकरी का, ठीक है, क्या आएगा, बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है क्या, कापरा हिरकस, याद रखेंगे सभी लोग, कापरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम होता है, बकरी का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। कंचन, सुजीत, अरविंद, रीमा, चलिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे सभी लोग, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कापरा हिरकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब, चलिए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या ब्रोमीन से अधिक है, ठीक है, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, अगर आपको पता है तो इनमें से बताइए कि किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन से अधिक है, सभी का आंसर आना चाहिए, क्या होगा, चलिए फटाफट से आंसर करिए, किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन से अधिक है, आंसर बताइए फटाफट से, आंसर आना चाहिए, क्या आएगा, इतना आप लोग गलती कर रहे हैं ना, 35 होता है ना ब्रोमीन का, कितना होता है, 35 होता है, तो क्या आएगा, सिल्वर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, सिल्वर का जो होता है ब्रोमीन से परमाणु संख्या अधिक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी एस्कोरियासिस का कारण बनता है। एक बीमारी होता है, ठीक है, एस्कोरियासिस, तो किस प्रकार का रोगजनक जल जनित होता है, ये आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी एस्कोरियासिस का कारण बनता है, आंसर बताइए 8 का सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए, और थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर करिए, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी परजीवी, क्या होता है आपका, परजीवी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे सभी लोग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप लोग को फर्ज बनता है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिए और अच्छा से ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, और जब भी गलती होता है आप लोग सही कर लीजिएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी परजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, किस प्रकार का रोगजनक पानी से होने वाली बीमारी डिसेंट्री का कारण बनता है। किस प्रकार का रोगजनक पानी से होने वाला बीमारी डिसेंट्री का कारण बनता है, आंसर बताइए 9 का, डिसेंट्री किसके कारण होता है, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, डिसेंट्री का किसके कारण बनता है, आंसर बताइए 9 का। चलिए अरविंद, रीमा, कंचन कुमारी, नो बॉयस एकेडमी और सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। अरे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा ना, जीवाणु, किससे होता है, जीवाणु से होता है ना, किससे होता है, जीवाणु से होता है, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा, जीवाणु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
वह व्यक्ति जो नक्शे या चार्ट बनाता है, ठीक है, आंसर बताइए क्या कहलाता है। वह व्यक्ति जो नक्शा या चार्ट बनाता है, आंसर बताना सभी को, वो क्या कहलाता है। वह व्यक्ति जो नक्शे या चार्ट बनाता है, सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आप सही दिख रहा, क्या कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी कार्टोग्राफर। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी कार्टोग्राफर आपका राइट आंसर आएगा। जो व्यक्ति नक्शा या चार्ट बनाता है वह क्या कहलाता है, कार्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। जिनका भी गलती होता है सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा उपकरण वायुसेना सिग्नल स्तर पर शोर मापता है। कौन सा उपकरण वायुसेना सिग्नल स्तर और शोर को मापता है, आंसर बताइए 11 का। कौन सा उपकरण वायुसेना सिग्नल स्तर और शोर को मापता है, 11 सभी लोग आंसर बताइएगा। चलिए क्या होगा 11 का आंसर बताइए सभी लोग। कौन सा उपकरण वायुसेना सिग्नल स्तर और शोर को मापता है, बिल्कुल करेक्ट, सुजीत माथुर जी का यहाँ पर सही आंसर आया है। रीमा का भी सही है, क्या होगा रुकमणि जायसवाल, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी पोस्फोमीटर, क्या आएगा पोस्फोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोर का मॉडल जो होता है निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बताइए। बोहर का मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आंसर बताइए 12 का। बोहर का मॉडल जो होता है किससे संबंधित है, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या आएगा बोहर का मॉडल किससे संबंधित है, राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के परिणामीकरण का अवधारणा। क्या आएगा ऊर्जा के परिणामीकरण की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए सभी लोग, सी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऊर्जा के परिणामीकरण की अवधारणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ध्वनि डैश वस्तु द्वारा निर्मित होती है। ध्वनि डैश वस्तु द्वारा निर्मित होती है, आंसर बताइए क्या होगा 13 का। ध्वनि डैश वस्तु द्वारा निर्मित होती है, सभी का आंसर आना चाहिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13, किससे निर्मित होता है ध्वनि, बिल्कुल लालू कुमार, श्रेया चौहान, अरविंद, केएल स्टडी, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा, वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है, ठीक है, किससे उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन से, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, किससे उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 क्या है, डैश जयमंडल के जैव घटक का गठन करते हैं, डैश जयमंडल के जैव गठन का गठन करते हैं, आंसर बताइए 14 का। जैव जयमंडल के डैश जयमंडल के जैव घटक का गठन करते हैं, आंसर बताइए क्या होगा 14 का। कौन करते हैं, चलिए 14 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा कौन करता है, बिल्कुल केएल स्टडी, रीमा, श्रेया चौहान, नोबेस अकेडमी, सुरेंद्र कुशवाहा, लालू कुमार, बिल्कुल करेक्ट, अरविंद मौर्या, मुकेश, महेश, कंचन, बिल्कुल विस्कांत कुमार, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। जो जीवित चीज़ें होती है वही आपका जैव मंडल के घटक का निर्माण करती है, ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित घटके, जीवित चीज़ें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, आइसोटोन्स सभी को पता है, ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या समान होता है, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 15, आइसोटोन्स में क्या समान होता है, आंसर बताइए क्या होगा, आइसोटोन्स में क्या समान होता है, सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15, आइसोटोन्स में क्या समान होता है, आंसर बताइए, चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा, आइसोटोन्स क्या समान होता है,
कंचन कुमारी का ऑनली सही आया है। इतना भी आप लोग गलती कैसे कर सकते हैं? क्या आएगा? न्यूट्रॉन्स जिसमें समान हो तो उसको हम लोग आइसोट्रॉन्स कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, समान संख्या में न्यूट्रॉन उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, समान संख्या में जो न्यूट्रॉन होता है उसको आइसोट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर बताइए सभी लोग 16 का। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हंसने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, सही आंसर करिए। हंस के क्या होगा, आंसर बताइए। चलिए, परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सभी लोग आंसर बताइए। बिल्कुल सही, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु विखंडन। सभी का लगभग करेक्ट आंसर आ रहा है, परमाणु विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, किस पर कार्य करता है? परमाणु विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। प्रिंसेस सिंह, विस्कांत, आर्मी खान अकेडमी, कंचन कुमारी, रीमा, अरविंद मौर्या, श्रेया चौहान। हाँ, यहाँ गलत होना चाहिए बट एग्जाम में मतलब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एक फूल का कार्पेल का टर्मिनल हिस्सा जो चिपचिपा हो सकता है वह कौन सा होता है? एक फूल में कार्पेल का टर्मिनल हिस्सा जो चिपचिपा हो सकता है वह डेस है, क्या होगा इसका? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, एक फूल में कार्पेल का टर्मिनल हिस्सा जो चिपचिपा हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आंसर बताइए 17 का, क्या कहा जाता है उसको? सभी का आंसर आना चाहिए, उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट, सुजीत माथुर जी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका कलंक राइट आंसर आएगा, और सभी लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, कलंक। ठीक है, जो चिपचिपा होता है क्या होता है? कलंक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आएगा। सभी लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कोई का यहाँ पर गलती हुआ है, तो सभी लोग सही कर लीजिए और कमेंट में एक बार लिख लिया करिए ताकि आपका नेक्स्ट बार में गलती ना हो। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? कलंक, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पेड़ के कोर की कोशिकाओं में कौन सा रसायन मौजूद होता है जो उन्हें गैस और पानी के लिए अभेद बनाता है? मतलब गैस और पानी के लिए अभेद बनाता है, तो वो कौन सा हिस्सा होता है कोशिका में? आंसर बताइए। पेड़ के कोर की कोशिका में कौन सा रसायन मौजूद होता है? ठीक है, कौन सा रसायन मौजूद होता है जो उन्हें गैस और पानी के लिए अभेद बनाता है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, सभी का आंसर आना चाहिए, क्या होगा, क्या होता है वो? क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बताइए क्या होता है। इसीलिए बोलते हैं कि मेरा क्लास रेगुलर करा करिए। ठीक है, मैं वैसा क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि बच्चा वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, क्या होगा इसका? सबरीन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर किसी का सही आंसर नहीं आया है, सबरीन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा रसायन होता है? सबरीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, नेक्स्ट बार गलती मत करिएगा। सबरीन करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब माध्यम के डैश में तरंग के कण तरंग प्रसार की दिशा में एक ही दिशा में कंपन करते हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लॉन्गिट्यूडनल, रोलिंग, ट्रांसवर्स या फील्ड? अनुर्ध्व, रोलिंग, अनुप्रस्थ या फील्ड? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, माध्यम के डैश में तरंग के कण तरंग प्रसार की दिशा में एक ही दिशा में कंपन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, क्या होगा? नहीं, सी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ। माध्यम के अनुप्रस्थ में, ठीक है, अनुप्रस्थ में होता है। कहाँ पर होता है? अनुप्रस्थ में तरंग के कण तरंग प्रसार की दिशा में एक ही दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब चलिए
20 क्या है कि कौन सा ऊतक पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन भी संग्रहित करता है। कौन सा ऊतक पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन भी संग्रहित करता है। आंसर बताइए 20 का। चलिए आंसर बताइए 20 का क्या होगा। कौन सा ऊतक पौधे को सहायता प्रदान करता है और भोजन भी संग्रहित करता है। क्या होगा इसका? सहायता प्रदान करता है और भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है, संग्रहित रहता है उसमें। ये आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। सही आंसर मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेरेन्काइमा। क्या होगा? पेरेन्काइमा। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है इसमें मतलब एक ही दो का होता है कि सही आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको फिर से रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, आप लोग को पर भूलिएगा मत ये सब क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। जब हिलने वाली वस्तु पीछे की ओर बढ़ती है तो यह डैश नामक माध्यम में कम दबाव क्षेत्र बनाती है। जब हिलने वाली वस्तु पीछे की ओर बढ़ती है तो यह डैश नामक माध्यम में कम दबाव का क्षेत्र बनाती है। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 21 क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। साइंस वीक है। क्या होगा इसका आंसर बताइए सभी लोग। क्या कहते हैं उसको? उसको बोला जाता है दुर्लभता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा इसका? दुर्लभता करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। भागने दीजिए, कोई बात नहीं, हमको हम पढ़ा के जितना क्वेश्चन करवाना है करा के चल जाएंगे। चलिए 22 देखिए अब। 22 क्या है कि कई समुद्री जानवर अपने गोले बनाने के लिए समुद्र के पानी में भांग डैश का उपयोग करते हैं। ठीक है, कई समुद्री जानवर अपने गोले बनाने के लिए समुद्र के पानी में भांग डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं समुद्र से? आंसर बताइए। ओ कुछ बफरिंग हो रहा है क्या यहाँ पर? सब कोई भाग रहे हैं, क्या बात है। कई समुद्री जानवर अपने गोले बनाने के लिए समुद्र के पानी में भांग डैश का उपयोग करते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए। 22 किसका उपयोग करते हैं समुद्री जानवर होते हैं? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर आएगा। किसका यूज़ करते हैं? कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी कार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। प्रकाश एक डैश तरंग है। जो प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग है? आंसर बताइए। 23 प्रकाश एक डैश तरंग है, किस प्रकार का तरंग है? सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा? प्रकाश एक डैश तरंग है, किस प्रकार का तरंग है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रांसवर्स आपका करेक्ट आंसर आएगा। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ट्रांसवर्स तरंग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। चलिए 24 देखिए। किस समूह के पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं? किस समूह के पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं? आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 किस समूह के पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं? क्या होगा आंसर बताइएगा सभी लोग 24 का। किस समूह के पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं? सभी का आंसर आना चाहिए। आप लोग भाग क्यों जाते हैं यार? हमको मन नहीं करता ना, बस क्लास ऑफ करके चल जाएंगे। ठीक है, मतलब इतना मेहनत से आप लोग क्वेश्चन तैयार करो बट आप लोग को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ पढ़ने का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा। ठीक है, कौन से समूह के जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से जलीय होते हैं? थैलोफाइटा आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25।
निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांदी का एक प्रमुख अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांदी का एक प्रमुख अयस्क है? आंसर बताइए 25 का क्या होगा, सभी लोग आंसर बताइए 25। अब वो तो YouTube का प्रॉब्लम है ना, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, नोटिफिकेशन नहीं जाता, इसीलिए बोलते हैं कि टेलीग्राम में सभी लोग ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम में जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगा तो उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है, बट आप लोग ज्वाइन करेंगे नहीं। जर्मन सिल्वर का कौन सा एक प्रमुख घटक है? कॉपर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, कौन होता है? कॉपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की छड़े निम्नलिखित में से किसके रूप में उपयोग की जाती है? परमाणु रिएक्टर में जो कैडमियम का छड़ होता है उसको हम लोग किस रूप में यूज करते हैं? आंसर बताइए क्या हो रहा, कमेंट में लाइट बंद होती है, नहीं समझ में आ रहा सुजीत माथुर जी, वैसा तो बात नहीं है, लाइट ऑफ होता है, पता नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है। किस रूप में यूज़ किया जाता है कैडमियम का? मैंने आपको पहले भी बताया था, नियंत्रक के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा, नियंत्रक। किस रूप में यूज़ किया जाता है? नियंत्रक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 27 देखिए, वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को डैश के माध्यम से पहुंचाया जाता है जो मूत्राशय से आने वाले एक ट्यूब से एकजुट होता है, क्या होगा इसका आंसर बताइए 27। आंसर बताइए 27 क्या होगा, वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को डैश के माध्यम से पहुंचाया जाता है जो मूत्राशय से आने वाले एक ट्यूब से एकजुट होता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, वास डिफरेंसेस, ठीक है, क्या आएगा? वास डिफरेंस, क्या कहते हैं उसको? वास डिफरेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 देखिए क्या है, मिट्टी में जीवित जीवों के क्षय हुए अवशेष होते हैं यह क्या कहा जाता है? मिट्टी में जो जीवित जीव होते हैं उसका क्षय हुआ जो अवशेष होता है, ठीक है, अवशेष होते हैं उसको क्या कहा जाता है? 28 आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताना है सभी को क्या होगा उसका, क्या कहा जाता है? बिल्कुल प्रिंस सिंह, बिल्कुल करेक्ट, क्या आएगा इसका? बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, श्रेया चौहान, कंचन कुमारी, रीमा, बिल्कुल क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। चलिए 29 देखिएगा, एक फूल में कार्पेल का नीचे का जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? कार्पेल का नीचा हिस्सा, चलिए आंसर बताइए क्या होगा, एक फूल में कार्पेल का नीचा हिस्सा कौन सा होता है? आंसर बताइए 29 क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड है, मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि चिपचिपा होता है, ये पूछा जा रहा है कि कार्पेल के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, ठीक है, तो चिपचिपा और कार्पेल के नीचे का हिस्सा में अंतर है, क्या होगा इसका? अंडाशय होता है, ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अंडाशय। कार्पेल का नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? अंडाशय, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। जब हिलने वाली वस्तु आगे बढ़ती है तो यह डैश नामक माध्यम में उच्च दबाव का क्षेत्र बनाती है, 30 क्या होगा? जब हिलने वाली वस्तु आगे बढ़ती है तो यह डैश नामक माध्यम में उच्च दबाव का क्षेत्र बनाती है, क्या होगा? 30 का क्या आएगा आंसर बताइए, बी करेक्ट आंसर आएगा, कंप्रेशन, ठीक है, क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेशन, कंप्रेशन होता है ना, तब आपका उच्च दबाव का क्षेत्र बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के समान नहीं है? चलिए प्रजनन के समान नहीं है, आंसर बताइए इसमें से 31, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के समान नहीं है? आंसर बताइए सभी लोग 31 का, प्रजनन के समान कौन नहीं है, आंसर बताना है सभी को 31 का।
ऑप्शन नंबर ए आपका रीजनरेशन, ठीक है। क्या आएगा? रीजनरेशन जो होता है वो आपका प्रजनन के समान नहीं होता है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए आपका राइट आंसर आएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए 32 देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा मेरिस्मोटिक उत्तक की कोशिकाएं एक स्थायी आकार और आकार एक कार्य करती है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। 32 देखिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, बट हार्ड क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन आपको मतलब मिलेगा ही। अब अगर मैं नहीं कराता हूँ और अगर आपका एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं अब मैंने नहीं कराया था, ठीक है। तो मैं मतलब सोचता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और ये मैं जितना भी क्वेश्चन लिया प्रीवियस ईयर से लिया गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर से लिया गया है। क्या होगा इसका, क्या कहा जाता है उसको? विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा। क्या आएगा? विभेदीकरण, ठीक है। चलिए 33 देखिए, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? आंसर बताइए। चलिए, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? आंसर बताइए। सभी को तो पता है कि हाइड्रोजनीकरण क्रिया क्या होता है, उसमें कौन सा गैस होता है, कौन सा तत्व होता है, कौन सा उत्प्रेरक होता है, सबको पता है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बस आंसर बताइए कि कौन आंसर कर सकते हैं। चलिए 33, सेम अज कौन सा प्रक्रिया मतलब जो उस तरह होता है वो, मतलब हाइड्रोजनीकरण जिस तरह होता है, इसमें से आपको ऑप्शन देख बताना है कि उसका भी जो प्रक्रिया होता है सेम होता है। क्या होगा? पेट्रोलियम करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। लगभग सभी का सही आंसर आ रहा है पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए 34 देखिए, अरे पेट्रोलियम नहीं होगा इसका, सॉरी पेट्रोलियम नहीं होगा, खाद्य बसा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी खाद्य बसा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी खाद्य बसा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा खाद्य बसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फूल का कौन सा हिस्सा पराग कणों का उत्पादन करता है जो आमतौर पर पीले रंग का होता है? फूल का कौन सा हिस्सा पराग कणों का उत्पादन करता है जो आमतौर पर पीले रंग का होता है? आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग आंसर बताइए। 34 क्या होगा? फूल का कौन सा हिस्सा पराग कण का उत्पादन करता है जो आमतौर पर पीले रंग का होता है, ठीक है, क्या होगा? 34 आंसर बताइए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर, बिल्कुल करेक्ट। लगभग सभी का सही आंसर आ रहा है पुंकेसर, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए, स्केलरन काइमा उत्तक की कोशिकाएं किस रासायनिक पदार्थ के कारण उनकी दीवारें मोटी होती है, ठीक है। जो स्केलरन काइमा उत्तक होती है तो उसकी जो दीवार होती है, ठीक है, उसकी जो उत्तक की दीवार होती है तो वो किस रासायनिक पदार्थ के कारण उनकी मोटी होती है दीवार? आंसर बताइए 35 क्या होगा, किस रासायनिक पदार्थ के कारण उनकी दीवार मोटी होती है? आंसर बताइए 35 का क्या होगा। चलिए, रीमा, श्रेया चौहान, राजकुमार मीना, सुजीत माथुर, सबका डिफरेंट आंसर आ रहा है। अरविंद मौर्य, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी लिग्निन, ठीक है, कौन सा होता है? लिग्निन करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी राइट आंसर आएगा लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 36, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉफ बाहर से पदार्थ में लेते हैं और उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वह कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? आंसर बताइए। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉफ बाहर से पदार्थों में लेते हैं और उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित करते हैं? क्या आएगा? 36 आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है, उसके बाद आंसर करिए। बी करेक्ट आंसर आएगा, प्रकाश संश्लेषण।
चलिए 37 देखिएगा, मनुष्य में घ्राण रिसेप्टर डैश का पता लगाते हैं। जो घ्राण रिसेप्टर होते हैं वो किसका पता लगाते हैं, आंसर बताइए। मनुष्यों में घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं जो, वो किस चीज़ का पता लगाते हैं। 37 आंसर बताइए, किसका पता लगाते हैं। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, किसका पता लगाते हैं, गंध, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आएगा, गंध, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। 38 देखिएगा, डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवा का मार्ग गिर ना जाए। ठीक है, डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवा का मार्ग गिर ना जाए। अगर आप 10th का साइंस पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप 10th का साइंस पढ़ते हो ना, तो सेम इसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा सेम। और जब आप लोग बोलते हो कि NCERT पढ़ाओ, NCERT पढ़ाओ, तो आप लोग को लगता है कि पूरा मतलब हार्ड पढ़ा रहा है। ठीक है, ये NCERT का सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका, डी उपास्थि राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या आएगा, उपास्थि, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, 6 बजे आइएगा आप लोग शाम को, 6 बजे। ठीक है, आज इतने रखते, कुछ काम है। ठीक है, रूम शिफ्ट किया गया है दूसरे जगह, दूसरे जगह रूम शिफ्ट किए हैं, इसलिए काम है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए।